मित्रों, मेरे चैनल हेल्दी योगा बाय मीना कुमारी आनंद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कमर का दर्द क्यों होता है और इसके लिए कौन सा योग करना है और कौन सी डाइट लेनी है। सबसे पहले मैं आपको कमर दर्द होने के कारण बताऊंगी। कमर दर्द जनरली स्त्रियों में अधिक और पुरुषों में कम होता है, जिसका कारण है हार्मोन चेंजेस। हार्मोन चेंजेस होते हैं मासिक धर्म के समय, गर्भवती के समय और मीनोपॉज अर्थात जब मेंसेस आना बंद हो जाता है तो हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। और कुछ कारण और हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, बैठने का तरीका गलत होना, आगे कमर झुका के बैठना या पीछे लटका के कमर को झुकाना इत्यादि इसके कारण है। अचानक वेट लिफ्टिंग करना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी डाइट लेनी है। डाइट लेने के लिए आप हरे फल जो कि अंदर से सफ़ेद हैं और सब्जियां जो अंदर से सफ़ेद है उसको लीजिए, क्योंकि कमर के दर्द का बहुत बड़ा कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी भी है। तो आप हरे फल लेंगे जो कि अंदर से सफ़ेद है, जैसे कि तोरी, घिया, अमरूद इत्यादि फलों का प्रयोग करें, तिल का प्रयोग करें, कड़ी पत्ता लें और कैल्शियम रिच सोर्सेज जैसे कि मखाने और ड्राई फ्रूट्स आदि को खाएं। अब मैं आपको कुछ आसन करके दिखा रही हूँ जिससे कि कमर का दर्द आपका ठीक होगा। आसन आपको रोजाना करना है। सबसे पहले मैं आपको अश्वत्थाना आसन करके दिखा रही हूँ। अश्वत्थाना आसन में आपको एक पांव आगे करना है, जो पांव आगे है उसी हाथ को ऊपर रखें और पीछे का पांव उठा दें, वापस आ जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार रुक के करें, वापस। लेट के करने वाले आसन हैं, लेट के करने वाले कौन आसन? दोनों पैरों को सामने सीधा रखें, दोनों हाथ पीछे उल्टे हैं और मध्य भाग को उठा दें। अपनी क्षमता के अनुसार रुककर वापस आ जाए। ये आपने बैठ के आसन किए, अब मैं आपको लेट के करने वाले आसन बता रही हूँ। लेट के करने वाले आसन में एक आसन है त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन में आप कोहनियों के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को खोल के रखेंगे और सामने से उठते हुए अपनी एड़ियों को देखेंगे, ये अपनी क्षमता के अनुसार करते रहें, वापस आ जाएं। कमर दर्द के लिए अपने पैरों को अपने नितंबों पे मारें। आपके पांव नितंब पे नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करते रहें एक पैर से, फिर दूसरे पैर से और फिर दोनों पैरों से। सर्पासन करें। सर्पासन एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लें और दाएं बाएं डोलें। लास्ट में शवासन जरूर करें। शवासन अति उत्तम आसन है। शवासन ढीला ढाला शरीर, कोई भी अंग तनाव में ना हो, जो भी अंग तनाव में है उसे हिलाकर ढीला कर लें। शवासन करें, दाईं ओर करवट करते हुए उठ के बैठ जाएं। अंत में शवासन करने से आपको थकावट नहीं होगी, शवासन जरूर करें। मित्रों, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।